दोस्तों आने वाले टाइम में अगर आपका ईवी लेने का प्लानिंग है जैसे कि आगे कुछ 5-6 महीने के बाद तो इस वीडियो को ऐसे एंड तक जरूर देखना। 100% ट्रस्टेड ब्रांड की कंफर्म इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने वाला जो कि आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। सीधे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। वैसे अपकमिंग में काफी इलेक्ट्रिक स्कूटर है लेकिन काफी कस्टमर बोलते हैं कि यार जो जल्द से जल्द आए उसके बारे में ही वीडियो बनाओ। तो दोस्तों ये है आपके सामने, ये कुछ हम पॉइंट कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं 5 नंबर इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। और देखा जाएगा तो 3-4 ब्रांड तो सबसे अच्छे और ट्रस्टेड ब्रांड की इलेक्ट्रिक स्कूटर है। 5 नंबर पर है TVS IQ की तरफ से ST मॉडल। आप सभी को पता होगा कि एथर एनर्जी ने रिस्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने के बाद काफी कस्टमर जो है रिस्टा इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ जा रहे हैं। तो TVS का जो प्लानिंग है ST मॉडल को लॉन्च करने का, उसका स्पीड जो है बढ़ चुका है। आने वाले 2 महीनों में ही आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है, क्योंकि TVS जो है 2 नंबर पर आता है टॉप 10 ईवी लिस्ट में। और सबसे ज्यादा कस्टमर की डिमांड है कि यार 140 किलोमीटर तक रेंज वाला मॉडल जो कि TVS IQ ST इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाए, क्योंकि सबसे पहले इसमें फीचर्स काफी है। टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है और TVS का ब्रांड वैल्यू भी काफी अच्छा है। काफी नए इंप्रूवमेंट करके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने वाली कंपनी। फिक्स बैटरी रहेगी, 82 km/h का टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। लुक्स की बात करें तो लुक डेफिनेटली काफी अच्छा है, जैसे पहले की TVS IQ में आता है वैसा ही लुक है। सर्विस काफी अच्छी मिलने वाली, क्योंकि यार पहले से ही TVS की सर्विस अच्छी मानी जाती है, इसलिए 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड काफी टाइम तक आपको ये बैटरी लाइफ देने वाला है। एंड TVS का कहना है कि हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को उनके लिए बना रहे हैं जिनको एक बेस्ट फैमिली स्कूटर और ज्यादा टाइम तक चलने वाली स्कूटर चाहिए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए गाइस बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग की बात करें तो पहले के मॉडल से 20,000 से लेकर 25,000 तक एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो। मतलब एक्सपेक्टिंग प्राइसिंग तो यही है कि 1,40,000 से लेकर 1,45,000 तक एक शोरूम प्राइस में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंडियन मार्केट में कंपटीशन काफी हो चुका है। ज्यादा प्राइस होगी तो सेल जो इनका नहीं बढ़ सकता, इसलिए प्राइस भी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिल जाती है बजाज कंपनी की तरफ से, चेतक BLDC मॉडल। जैसे कि रिसेंटली बजाज के CEO ने इसको अनाउंसमेंट कर दिया है कि हमारे 2 नए प्रोडक्ट आने वाले हैं जिसमें चेतक EVX रहने वाला है, जिनको अंडर 1 लाख रुपीस में इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उसमें BLDC मोटर होगी, 100 किलोमीटर की रेंज होगी। एंड इंडिया में काफी ऐसे कस्टमर है जिनका बजट काफी कम है लेकिन उनको अच्छे ब्रांड की इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, चाहे उसमें BLDC मोटर होगी तो भी चलेगा, लेकिन अच्छे ब्रांड की चाहिए, बेस्ट फैमिली के लिए स्कूटर चाहिए और सर्विस भी काफी अच्छी होनी चाहिए। और बजट चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए बेस्ट हो सकती है। मेटल बॉडी देखने को मिल जाती है एंड आने वाले 3-4 महीने में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में लॉन्चिंग भी होने वाली है। ऑलरेडी पुणे मुंबई हाईवे पर इसका टेस्टिंग भी देखा गया था पिछले 5-6 महीने पहले। ऐटो हेल्पर मराठी वेबसाइट पर भी आर्टिकल आ चुका था एंड 100% गाइस कंफर्म है, अगर आपको 1 लाख प्राइस में ट्रस्टेड ब्रांड के इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लानिंग है तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। फीचर्स की बात करें तो नॉर्मल फीचर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि यार इसमें प्राइस कम है तो यहाँ पर आपको फीचर्स थोड़े से कम ही देखने को मिलेंगे। BLDC मोटर होने के कारण 10-15 हज़ार इसकी प्राइसिंग और भी कम हो जाती है। और बजाज जो है ऑलरेडी 200 सिटीज में अवेलेबल है, 2024 के एंडिंग से पहले 500 सिटीज पर ये बजाज की चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल रहने वाली है, ऐसा कंपनी के CEO ने बताया है। एंड बजाज की तरफ से CNG बाइक भी आने वाली है जो कि जून 2024 में देखने को मिलने वाली है। सो बजाज जो है काफी अच्छा काम कर रहा है। और दोस्तों इसकी एक्सपेक्टिंग प्राइसिंग जो है 100% 1 लाख रुपीज तक ही रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन में काफी इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इसलिए इसकी प्राइसिंग जो है 1 लाख के आसपास ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। उससे पहले गाइस वीडियो आपने यहाँ तक देख ले तो यार प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करना। 3 नंबर पर नई इलेक्ट्रिक स्कूटर है रिवॉल्ट NX100। स्पेशली इसकी जो बैटरी है वो LFP बैटरी है, इसमें 1 मेन बैटरी मिलती है एंड एक आपको इमरजेंसी बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 10 से 15 किलोमीटर आपको इमरजेंसी रेंज देने वाली है। और रिवॉल्ट NX100 की खासियत तो ये है कि इसकी प्राइसिंग भी अंडर 1 लाख रुपए से शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, 89,000 रुपए से इनका मॉडल शुरू होता है, जिसमें आपको 100 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, 110 km/h का टॉप स्पीड देखने को मिलेगा, LFE बैटरी मिलने वाली है जो लॉन्ग लाइफ के लिए काफी बेस्ट होने वाली है। एंड स्कूटर में आपको फीचर्स काफी मिलेंगे, अगर आपको फीचर्स ज्यादा चाहिए, रेंज भी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, तो आप 200 किलोमीटर वाला मॉडल ले सकते हो, 300 किलोमीटर वाला ले सकते हो या 500 किलोमीटर तक वाला भी मॉडल ले सकते हो, जो कि इंडियन मार्केट में पॉसिबल करके दिखाने वाला है रिवॉल्ट NX100। एंड ऑलरेडी हमने इस पर काफी बातें भी की है। लुक्स की बात करें तो काफी बल्की लुक्स है, मिड माउंट मोटर देखने को मिल जाती है जो कि आपको काफी अच्छी पावर भी देती है
एंड इसमें आपको काफी ज्यादा मॉडल्स देखने को मिलते हैं, उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हो। कस्टमर इसके लिए काफी रुके हैं एंड ऑलरेडी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो चुकी है। नेक्स्ट महीने में इसकी मीडिया रिव्यू होने वाली है एंड मई जून से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी भी चालू होने वाली है। तो आने वाले 5-6 महीने तक काफी सारे सिटीज पर इसकी डिलीवरी चालू हो सकती है। अगर आपको ज्यादा टाइम तक चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, सबसे अलग दिखने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए, तो आपके लिए रिवॉर्ड नेक्स्ट 100 बेस्ट हो सकता है। दोस्तों नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड है विनफास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। विनफास्ट की बात करें तो सबसे बड़ा ब्रांड जो है ग्लोबल में आता है, जैसे इंडिया में बजाज है, टीवीएस है, यामाहा है, होंडा है, वैसे जो है विनफास्ट बाहर की कंट्री का ब्रांड है बट इंडियन मार्केट में ये मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। इसलिए बैटरी में आपको काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी, क्विड कूलेड बैटरी देखने को मिलने वाली जो कि 12 साल तक बैटरी चलेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। मेटल बॉडी देखने को मिलने वाली है, अट्रैक्टिव लुक है, जैसे कि आपने काफी वीडियोस में देखा भी होगा विनफास्ट जो है 2024 के मिड के बाद इंडियन मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग चालू करने वाला है। नए जनरेशन की मोटर रहने वाली है, बोश कंपनी की मोटर रहेगी एंड रिमूवेबल बैटरी एंड स्वैपिंग आप कर सकते हो। एंड इंडियन मार्केट में यही होना चाहिए कि यार स्वैपेबल बैटरी होनी चाहिए, अगर रेंज खत्म होती है तो आप 6 सेकंड में फुल चार्ज वाली बैटरी लेकर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में ऐड कर सकते हो एंड अपनी रेंज जो है बढ़ा सकते हो। वैसा इंडियन मार्केट में होना चाहिए, तब जाकर जो ईवी जो है नेक्स्ट लेवल तक चलने वाली है। एंड इंडिया में गाइज ऐसे ईवी काफी है, जैसे कि LFP बैटरी वगैरह होती है, बट इसमें आपको LFP बैटरी प्लस इसमें लिक्विड कूल्ड बैटरी दी है जो कि आराम से 12 साल तक तो चलने ही चलने वाली है। फीचर्स की बात करें गाइस तो आपको इसमें दो टाइप्स के फीचर्स मिलेंगे, जिसका भी बजट कम है उनके लिए नॉर्मल डिस्प्ले मिलेगा, जिनका भी बजट थोड़ा सा ज्यादा है तो उनके लिए ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोबाइल कनेक्टिविटी हो गया जो इंडियन मार्केट में चलते हैं, उससे भी थोड़े से ऊपर जा सकते हैं, बट डेफिनेटली इसकी प्राइसिंग जो रहेगी वो काफी अट्रैक्टिव रहने वाली है, क्योंकि इनका जो मेन कंपटीशन में आने वाला ब्रांड जो है वो ओला इलेक्ट्रिक होने वाला है। इसलिए ओला इलेक्ट्रिक के आसपास इसकी प्राइसिंग देखने को मिलेगी, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 120,000 तक इसकी एक्सशोरूम प्राइस देखने को मिल सकती है। अगर हम रेंज की बात करें तो 120 किलोमीटर से लेकर 197 किलोमीटर तक आपको रेंज देखने को मिलने वाली है और नया ब्रांड है, इसलिए इंडियन मार्केट में आने के बाद अच्छी प्राइसिंग रखने वाला है। तो चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। नंबर वन पर है होंडा इलेक्ट्रिक। आप सभी को पता है हम हर वीडियोस में बोलते हैं कि यार होंडा की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगी वो काफी ईवीज को टक्कर दे सकती है, क्योंकि यार ये काफी दिन से टेस्टिंग कर रही है, मार्च में आने वाली थी बट अभी इन्होंने मई जून बोला है, बट डेफिनेटली आने वाले 5-6 महीने में 100% होंडा की एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप इसके लिए वेट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूँ कि इस ईवी को लेने के बाद आप टेंशन फ्री रह सकते हो 10 साल के लिए। बैटरी लाइफ भी अच्छी मिलेगी, मेटल बॉडी देखने को मिलेगी, रिमूवेबल बैटरी मिलेगी, नए जनरेशन के फीचर्स भी काफी मिलने वाले हैं एंड ब्रांड वैल्यू भी आपको ट्रस्टेड ब्रांड की होंडा की मिलने वाली है। एंड हमने काफी रिसर्च करने के बाद देखा कि होंडा की जो इलेक्ट्रिक स्कूटर रहेगी वो अदर ईवी से लॉन्ग लाइफ तक चलने वाली है, क्योंकि होंडा जो है काफी बड़ा ब्रांड है, इंडिया के बाहर पहले से ही इलेक्ट्रिक स्कूटर सेल कर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि यार होंडा भी आईसी इंजन से भी बेटर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड कर सकता है, जो कि दूसरे ब्रांड से भी काफी बेस्ट हो सकते है। मोटर की बात करें तो नई जनरेशन की मोटर देखने को मिलने वाली है जो कि PMSM से भी काफी बेटर आपको रिस्पॉन्स दिखाएगी, जिसमें आपको 90 km/h का टॉप स्पीड देखने को मिलने वाला है। अगर हम रेंज की बात करें 140 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर तक आपको सिंगल चार्ज में आपको ये रेंज देखने को मिलेगी एंड इसमें आपको स्वैपिंग बैटरी मिलने वाली है। 6 सेकंड में आप जो है फुल चार्ज वाली बैटरी ले सकते हो एंड आपकी रेंज जो है इंक्रीज कर सकते हो। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो होंडा की इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइसिंग रहेगी वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 130,000 से लेकर 145,000 तक एक्सपेक्टिंग प्राइसिंग रहने वाली है। चाहे प्राइसिंग थोड़ी सी ज्यादा हो बट आपको ब्रांड वैल्यू जो है अच्छी मिलने वाली है, सर्विस जो आपको फ्यूचर में काफी बढ़िया मिलने वाली है। सो गाइस ये थे कुछ 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि आने वाले 6 महीने में 100% आपको देखने को मिलेंगे। इन 5 में से आपको कौन से अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी, कमेंट में जाकर जरूर से जरूर बताइए और ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए।